हेलो एवरीवन, ये सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 17 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, आयमर और रैना। तो व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ऑस्मोसिस क्या होता है। इस फिनोमेना को डेवलप किया था एबे नॉल्ट ने इन 1748। तो देखो, ये हम एक वेसल ले लेते हैं, इसके बीच में हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख लेते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ सॉल्वेंट होगा। सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से छोटा साइज किसका होता है, स्मॉल साइज किसका होगा, जैसे वाटर और शुगर में से स्मॉल साइज किसका होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है, सॉल्वेंट का छोटा साइज होता है। तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन मूव कर सकता है, सॉल्वेंट मूव कर सकता है यहाँ से यहाँ पे। तो इस मूवमेंट को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो क्या होती है ऑस्मोसिस, इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर्टिफिशियल भी हो सकती है, सिंथेटिक भी हो सकती है। आर्टिफिशियल में आ जाती है कॉपर फेरोसाइनाइड, और नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी। नेचुरल में आ जाती है जैसे एनिमल की मेम्ब्रेन होगी, वेजिटेबल मेम्ब्रेन होगी, पानी में हम वेजिटेबल्स को रखते हैं, वो हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ये। और दूसरा केस देखो, ऐसा भी हो सकता है सॉल्यूशन लेते हैं, एक साइड हम लेते हैं लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, और एक लेते हैं हम हाई कंसंट्रेटेड। जैसे हम मान लेते हैं कि शुगर पानी में डाले हैं, अगर ज़्यादा शुगर डालोगे तो हाई कंसंट्रेशन होगी, कम शुगर डालोगे तो लो कंसंट्रेशन होगी। तो अगर लो कंसंट्रेशन होगी इसका मतलब शुगर कम है, सॉल्वेंट पार्टिकल ज़्यादा है। तो मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स किस में ज़्यादा होते हैं, लो कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन में, सॉल्वेंट पार्टिकल लो कंसंट्रेशन में होते हैं ज़्यादा। तो मूवमेंट होगी सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें मूवमेंट होती है किसकी, छोटे पार्टिकल्स की, छोटे कौन से हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, फ्रॉम कहाँ से, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, या फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेचुरल भी हो सकती है जैसे एनिमल मेम्ब्रेन, वेजिटेबल मेम्ब्रेन, या सिंथेटिक या आर्टिफिशियल भी हो सकती है जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड। तो इट मे बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। फर्स्ट पॉइंट है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूव करते हैं फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सच एज वेजिटेबल मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन और प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिंथेटिक कॉपर फेरोसाइनाइड। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन होती है मूवमेंट ऑफ, किसी की भी मूवमेंट हो सकती है, सॉल्यूट की भी सॉल्वेंट की भी, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ मूवमेंट किसकी होती है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की डिफ्यूजन में ज़रूरत नहीं होती, ऑस्मोसिस में ज़रूरत होती है। इन डिफ्यूजन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स आर फ्लो। इन डिफ्यूजन नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, इन ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इट कैन बी स्टॉप्ड आर रिवर्स्ड, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड आर रिवर्स, इसको स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन ऑस्मोसिस को हम स्टॉप कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर स्टॉप कर लिया प्रेशर लगाना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उसी को कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। इट टेक्स प्लेस इन गैसेस एज वेल एज इन सॉल्यूशन, इट टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशंस ओनली। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो, ये हम एक वेसल ले लेते हैं, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं सॉल्वेंट और यहाँ पे ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो एज़ पर ऑस्मोसिस मूवमेंट शुरू हो जाएगी सॉल्वेंट की कहाँ से, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन।
लेकिन अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर लें प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे क्या होगा, यहाँ से जो सॉल्वेंट पार्टिकल इस साइड आ रहे थे, प्रेशर लगाने से वो इस साइड नहीं आ पाएंगे और एक स्टेज आ जाएगी कि ये ऑस्मोसिस रुक जाएगी। वो कितना प्रेशर लगाया है उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन और हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? जो लगाना पड़ता है प्रेशर, ठीक है, कहाँ पे लगाना पड़ता है? सोल्यूशन पे, ताकि ऑस्मोसिस नहीं हो। किस साइड लगाओगे? अगर एक प्योर सॉल्वेंट और एक सोल्यूशन है तो किस साइड प्रेशर लगाओगे? सोल्यूशन वाली साइड। अगर एक लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है और एक हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है तो तब किस साइड प्रेशर लगाओगे? हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वाली साइड। तो कहते हैं इसको ऑस्मोटिक प्रेशर और डिनोट करते हैं पाई आर पी से, कैपिटल पी से। यूनिट क्या होंगे? प्रेशर है, एटमॉस्फेयर हो सकते हैं, बार हो सकते हैं, पास्कल हो सकता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन और हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इज डिनोटेड बाई पाई आर पी। अब एक्सप्रेशन निकालना है इसका। वॉन्ट हाफ साइंटिस्ट है, वॉन्ट हाफ, उसने कहा था कि डाइल्यूट सोल्यूशन जो भी होंगे, आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है, उसने कहा कि डाइल्यूट सोल्यूशंस में भी हम लगा सकते हैं आइडियल गैस लॉस लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉन्ट हाफ, डाइल्यूट सोल्यूशंस आर कंपेरेबल टू आइडियल गैसेज एंड हैंस गैस लॉस आर इक्वली एप्लीकेबल टू दैम। दैट इज, पहला हम करते हैं बॉयल वॉन्ट हाफ लॉ। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप कह सकते हो डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के, ठीक है, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू वॉन्ट हाफ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज पाई प्रोपोर्शनल टू सी। नेक्स्ट है चार्ल्स वॉन्ट हाफ लॉ, वो कहता है कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहे तो पाई प्रोपोर्शनल होता है टी के, पाई प्रोपोर्शनल टू टी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। तो देखो बॉयल्स वॉन्ट हाफ लॉ कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, और चार्ल्स वॉन्ट हाफ लॉ कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो दोनों को कंबाइन किया पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी इक्वल टू पाई इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी आर टी, वेयर आर इज ए गैस कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इन एसआई सिस्टम। तो ये था, तो क्या आ जाएगा कंबाइनिंग वन एंड टू वी गेट पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी, पाई प्रोपोर्शनल टू सी आर टी। आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और दूसरी वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। दोनों वैल्यूज याद करनी है न्यूमेरिकल मैथ। वेयर आज इज ए गैस कॉन्स्टेंट हैविंग वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इन एसआई सिस्टम एंड 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नेक्स्ट आ गया पाई प्रोपोर्शनल टू क्या था? सी था, पाई प्रोपोर्शनल टू टी था, पाई दोनों को कंबाइन किया सी टी प्रोपोर्शनल पाई इक्वल टू किसके बराबर आ गया सी आर टी। आर की वैल्यू गैस कॉन्स्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स और 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब सी कंसंट्रेशन की वैल्यू बरते पाई इक्वल टू किसके बराबर एन बाय वी। अगर एन नंबर ऑफ मोल्स हैं और इन वी वॉल्यूम ऑफ गैस तो पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। आर इसको लिख सकते हैं पाई वी इक्वल टू एन आर टी। तो ये है वॉन्ट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन पाई वी इक्वल टू एन आर टी। तो पाई इक्वल टू किसके बराबर आ गया सी आर टी। सी की वैल्यू भर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो क्या आ जाएगा पाई वी इक्वल टू एन आर टी।
ये है वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बिल्कुल वैसे ही है, देखो आपने आइडियल गैस के लिए इक्वेशन पढ़ी है पी वी इक्वल टू एन आर टी, वैसे ही है पाई है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है बिल्कुल बाकी सेम। ये है वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आपको आ जाए एक्सप्रेशन जहाँ वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो दोनों एक ही हैं। ऑल्सो इफ एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देन सी इक्वल टू एन बाई वी और पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी, पाई वी इक्वल टू एन आर टी। दिस इक्वेशन इज नोन एज वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो नेक्स्ट है प्रूव दैट इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रूव दैट इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको प्रूव करना कि पाई प्रोपोर्शनल टू एन। तो आप करोगे अकॉर्डिंग टू वांट हाफ इक्वेशन पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी की वैल्यू एन बाय वी आर टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पाई प्रोपोर्शनल टू एन, हेंस इट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यही है अकॉर्डिंग टू वांट हाफ डाइल्यूट इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन पाई इक्वल टू सी आर टी, इफ एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देन सी इक्वल टू एन बाई वी, पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यहाँ से एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पाई प्रोपोर्शनल टू एन, हेंस इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू एन आर टी एन अपॉन वी आर टी, पाई इक्वल टू एन, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके बराबर आ जाएंगे मास अपॉन मोलर मास वी आर टी। तो यहाँ से एम इस साइड ले जाना है, आ जाएगा आर कांस्टेंट, फिर उसके बाद वन बाय वी, फिर यहाँ से आप निकाल दोगे क्या आ जाएगा इसमें पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, एन की वैल्यू भरोगे कितनी होती है एन की वैल्यू मास अपॉन मोलर मास इंटू वी आर टी, यहाँ से एम की वैल्यू निकाल दोगे मोलर मास वो किसके बराबर आ जाएगा पहले कांस्टेंट लिखा हमने आर, फिर लिखा वन बाय पाई, फिर लिखा डब्ल्यू बाय वी और फिर लिखा टी। तो यहाँ से भी क्लियर होता है मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के, मतलब मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। इफ डब्ल्यू इज द वेट ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलर मास एम देन एन इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम यूजिंग इन फर्स्ट वी गेट पाई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी आर टी, एम इक्वल टू आर इंटू वन बाई पाई इंटू डब्ल्यू बाई वी इंटू टी। तो इट इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्लियरली एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ये था डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं राउल्ट्स लॉ पे। तो राउल्ट्स लॉ का आपको पता है पी ए इक्वल टू किसके बराबर होता है पी नॉट ए काई ए, पी बी किसके बराबर होता है पी नॉट बी काई बी, और पी सॉल्यूशन किसके बराबर होता है दोनों का प्लस पी ए प्लस पी बी। फिर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो आर एल वी पी किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये आ जाता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए एंड पी बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, और आर एल वी पी पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ये आपके लिए अलग है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेस। वेपर फेस में मोल फ्रैक्शंस निकालनी है तो अब y से हम डिनोट कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में, y ए इक्वल टू उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल, और अगर दो कंपोनेंट्स हैं एक का निकाल दिया दूसरे का आ जाएगा वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट। y ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी टोटल हो गया, y बी इक्वल टू वन माइनस वाई ए। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन दोनों ही वोलाटाइल है उठती हैं दोनों वोलाटाइल हैं, तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट एट 298 केल्विन और 200 mm Hg एंड 400 mm रेस्पेक्टिवली। वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट ए पी नॉट क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री दिया आपको 200 mm और पी नॉट डाइक्लोरोमीथेन डी सी एम भी बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन को डी सी एम शॉर्टकट 415 mm, और कैलकुलेट करना है आपने वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन prepared by mixing 25 gram 5.5 gram of chloroform and 40 gram of DCM at 298 Kelvin. P solution निकालना तो simple इसका आ जाएगा P chloroform plus P DCM. P chloroform किसके बराबर आ जाएगा P not chloroform into chi chloroform. P DCM किसके P not chloroform P not तो हैं और chi निकालना। दूसरा आपने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में कितनी आ जाएगी जैसे
मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालनी होगी, तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल निकालने के लिए आपको चाहिए पी क्लोरोफॉर्म। पी क्लोरोफॉर्म किसके बराबर, पी नॉट काई क्लोरोफॉर्म इंटू काई, काई निकालना है पहले। तो कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया है 25 पॉइंट, मास ऑफ डीसीएम दिया हुआ है 40 ग्राम, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। मोल्स निकाल दिए दोनों के, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए दोनों के, उसके बाद काई ऑफ क्लोरोफॉर्म किसके बराबर आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, काई ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल, ये निकल गया 0.312। एक के निकाल दिए, दूसरे के क्या आ जाएंगे, 1 माइनस, ये मोल फ्रैक्शन इसके भी आ गए। दोनों के मोल फ्रैक्शंस निकाल दिए। अब इनके दोनों के बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर, पी टोटल इक्वल टू पी क्लोरोफॉर्म प्लस पी डीसीएम। पी क्लोरोफॉर्म, पी नॉट क्लोरोफॉर्म, काई ऑफ क्लोरोफॉर्म, पी नॉट को दोनों, पी नॉट कितना है गिवन था और काई हमने अभी निकाले, दोनों वैल्यूज भरी 347.9 mm, ये आ गया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेस, वेपर फेस ऑफ मैं निकालनी है क्लोरोफॉर्म की, तो ऊपर लिखना है पी ऑफ क्लोरोफॉर्म और नीचे लिखना पी टोटल। पी ऑफ क्लोरोफॉर्म ये होगा 200 इंटू, ये पी ऑफ क्लोरोफॉर्म आ गया पी नॉट क्लोरोफॉर्म इंटू काई क्लोरोफॉर्म, निकल गया 62.4। और पी ऑफ डीसीएम भी निकाल दिया दोनों। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेस, उसके मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल इक्वल टू 0.18। एक का निकाल दिया, दूसरे का 1 माइनस आ गया, क्लियर। तो ये थी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेस। नेक्स्ट टेस्ट है, पिछला टेस्ट भी आपने सॉल्व करके नहीं दिया है तो कंटिन्यू सॉल्व करें, दैट विल गिव मी सम कॉन्फिडेंस टू मेक मोर वीडियोस। तो ये टेस्ट नंबर 12 है, ये ए एंड बी लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग प्रोड्यूस ए वार्म सॉल्यूशन। वार्म सॉल्यूशन से पता चल गया कि ये कैसा है, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, कौन सी होगी, पॉजिटिव डेविएशन होगी नेगेटिव होगी, वो आपको देखना है। नेक्स्ट, गिव रीजन व्हाई व्हेन 30 मिलीलीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 30 मिलीलीटर ऑफ वाटर आर मिक्स द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज मोर देन 60 मिलीलीटर। क्यों हो जाती है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल और वाटर को मिक्स करें तो बनता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाती है। 10 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड ए वर मिक्स्ड विद 10 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड बी, दोनों को मिक्स किया, वॉल्यूम रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कम हो रही है, दोनों का सम 20 आना चाहिए, कम हो रही है, वॉल्यूम नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव कौन सी, नेगेटिव डेविएशन है इसका मतलब। व्हाट टाइप ऑफ नॉन आइडियलिटीज शो करती हैं, साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल को मिक्स करना, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को कौन सी आइडियलिटीज शो करती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज इतना दिया, वाटर का वेपर प्रेशर दिया है इतना। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है जब 293 व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें देखो ग्लूकोज, पी सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी, सॉल्यूशन बन गया जब आपने ग्लूकोज डाला, लेकिन पी बी ग्लूकोज है तो इसका जीरो आ जाएगा, तो पी सॉल्यूशन आ जाएगा पी नॉट ए काई ए। पी नॉट ए दिया आपको, काई ए निकालना है, काई ए कौन, वाटर का आपने इसमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन और निकल जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सॉल्यूशन का। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।